महाशिवरात्रि के मौके पर दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद में सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा शिव मंदिर है। दूधेश्वर नाथ से इस नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। दूर दराज से तमाम जो उनके श्रद्धालु हैं, मान्यता वाले जो तमाम शिव भक्त हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने जल अभिषेक के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपनी तमाम जो मनोकामनाओं के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो प्रशासनिक अधिकारियों ने जानकारी दी है, बहुत लंबे बहुत दूरी तक की जो लाइनें लगी हुई हैं और अलग अलग चंक में 100 से 150 श्रद्धालुओं को एक एक करके अंदर आने की जो इजाजत दी जा रही है। और इसके साथ ही खुद प्रशासनिक अधिकारी के जो तमाम बड़े आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो, इसको लेकर भी तमाम तरह की तैयारियां यहां पर की हैं। और खुद सिविल डिफेंस की हम बात करें तो सिविल डिफेंस के जो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो भी पूरी तरीके से व्यवस्थाओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो श्रद्धालु बीते 2 सालों तक कोरोना की वजह से दूर रहे वो अब पूरे उत्साह के साथ में, तीसरे साल जब प्रतिबंध ढीले हुए हैं उसके बाद यहाँ पर पहुँच रहे हैं और पूरे उत्साह के साथ में यहाँ पर श्रद्धालु अपनी जो पूरी मान्यताओं को जो मानते हुए यहाँ पर जल अभिषेक करने के लिए पहुँचे हैं। और करीब करीब 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु हर साल यहाँ पर आते थे, लेकिन 2 साल कोरोना की वजह से प्रतिबंध होने के वजह से यहाँ पर श्रद्धालु नहीं पहुँचे और तीसरी साल है क्योंकि प्रतिबंध ढीले हुए हैं। इसी वजह से प्रशासनिक अधिकारियों का अंदेशा है कि इस बार श्रद्धालु बाकी सालों के मुकाबले कहीं ज़्यादा हो सकते हैं। तमाम श्रद्धालुओं से बातचीत करने की भी हम कोशिश करेंगे। मान्यता बहुत सारी है, जल अभिषेक करने आप आए हैं, क्या कहें? बहुत बड़ी मान्यता है, बहुत लंबी भीड़ है, बहुत दिनों का तो मौका मिला है यहाँ पे आने का, दर्शन करने का। बहुत खुशी हो रही है मन में, हर्ष उल्लास है, हर्षो उल्लास है, खुशी हो रही है। हर साल आप आते? बिल्कुल जी, हर सोमवार आते हैं, हर सोमवार आते हैं, लेकिन 2 साल कोरोना की वजह से प्रतिबंध, पूरी भीड़ थी जब भी उत्साह लोगों में था, लेकिन अब किस तरह की मान्यता है, क्या मनोकामनाएं लोग लेकर यहाँ पहुँचते? मनोकामना तो जी पब्लिक मांगेगी अपनी अपनी आके। हाँ जी, तमाम और तमाम जो देश भर की स्थिति देखें, क्या सभी के लिए सुख समृद्धि के लिए यहाँ पर आप आए हैं? हाँ सर जी, सबके लिए आए हैं हम तो, हाँ, पर पहले अपना भला करेंगे उसके बाद देश का करेंगे। एक आप किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरह की? भगवान सबको सुख रखे, खुशी रखे, घर में खुशहाली रखे, देश सुरक्षित रखे, यही मनोकामना है भगवान से। यूक्रेन और रशिया के बीच जो तनाव है उसकी शांति के लिए भी आप? हाँ, यूक्रेन जीतेगी जी। तमाम जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उत्साहित होकर यहाँ पर नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि देखिए, आप खुद देखें कि जो आला अधिकारी हैं, आला अधिकारी खुद यहाँ पर जो तमाम श्रद्धालुओं से उचित दूरी का पालन करने की सलाह दे रहे हैं और साथ में मास्क लगाने की भी सलाह दी जा रही है। लेकिन इसके साथ ही जो श्रद्धालुओं का जो जोश है वो कई सालों के बाद उनको मौका मिल रहा है जल अभिषेक का, क्योंकि कोरोना की वजह से जो प्रतिबंध रहे, बेहद शानदार तरीके से उत्साहित होकर यहाँ पर श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश के साथ मोहित चौधरी, R9 न्यूज़ गाजियाबाद।